नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद चौहान और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही इस खबर के साथ, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अपने सभी संगठनात्मक इकाइयों को मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत अब बीजेपी अपने मीडिया प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित करेगी। 24 सितंबर को राजधानी देहरादून में आयोजित किए जाने वाले इस मीडिया कार्यशाला में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि इसमें प्रदेश के मीडिया प्रभारी, सभी जिलों के मीडिया प्रभारी, सभी इकाइयों के मीडिया प्रभारी शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मीडिया विभाग को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उत्तराखंड के चुनाव सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत प्रदेश के कई बड़े नेता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बीजेपी के मीडिया प्रतिनिधियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं देहरादून के डोईवाला के हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट में दो महिलाओं सुषमा और सुल्ताना खातून ने अपने पति के प्राणों पर आए संकट को दूर करने के लिए अपनी एक एक किडनी एक दूसरे के पतियों को दान किया। बता दें, जॉलीग्रांट अस्पताल में सफल स्वैप ट्रांसप्लांट कर अशरफ अली व विकास उनियाल दोनों को एक नया जीवन दिया गया। चारों पति पत्नी अब पूरी तरह से स्वस्थ। बता दें, डोईवाला निवासी अशरफ अली दोनों किडनी खराब होने के चलते पिछले 2 सालों से हेमोडायलिसिस पर थे और किडनी ट्रांसप्लांट ही उन्हें एक बचाने का एकमात्र विकल्प था। हालांकि उनकी पत्नी सुल्ताना खातून उन्हें अपनी एक किडनी देने के लिए तैयार थी, पर ब्लड ग्रुप मैच ना होने के चलते ये संभव नहीं था। वहीं इस बीमारी से पीड़ित कोटद्वार निवासी विकास उनियाल की भी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और वह भी पिछले 2 सालों से हेमोडायलिसिस पर थे। सुल्ताना खातून की तरह विकास की पत्नी सुषमा का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने के चलते वह भी अपने पति को अपनी किडनी नहीं दे सकती थी। यह दोनों ही परिवार एक ऐसे डोनर की तलाश कर रही थी जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो सके, जिसके बाद हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट के इंटरवेंशन नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर शहबाज अहमद ने दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलाया। इस बीच जांच कराने पर पता चला कि सुषमा का अशरफ से जबकि सुल्ताना का विकास से ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है। दोनों परिवारों को तुरंत ही उम्मीद की किरण नजर आई और सुषमा और सुल्ताना दोनों एक दूसरे के पति को किडनी देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद इस स्वैप ट्रांसप्लांट को कराने के लिए यूरोलॉजी व नेफ्रोलॉजी की एक संयुक्त टीम बनाई गई और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण समिति से अनुमति ली गई, जिसके बाद सभी की सफल सर्जरी कर ली गई है। लगभग 8-9 महीने पहले मेरे पास पेशेंट श्री अशरफ जी आए थे। उनका गुर्दा फेल हो गया था और उनका डायलिसिस बाद हो गया था। उनके पास भी सुटेबल डोनर सिर्फ वाइफ थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वाइफ का ब्लड ग्रुप और इनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। उसी तरह से विकास उनियाल पेशेंट था, उनका भी डोनर सिर्फ वाइफ ही थी, लेकिन उनके भी वाइफ का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। एक चीज़ अच्छी ये चीज़ थी कि विकास उनियाल और अशरफ दोनों की जो पत्नियाँ थी उन दोनों को अगर अदला बदली करते तो उसमें मैचिंग हो जाता। फिर दोनों की जाँच करी गई और उन लोगों का सुटेबल पाया गया। यह प्रावधान 2010 या 11 के आसपास में ट्रांसप्लांट एक्ट में जब चेंज आया, इससे स्वैपिंग अलाउड होती है और इस चीज़ से मरीजों को आसानी हो जाती है कि अगर आपस परिवार में नहीं हो पा रहा है तो दूसरे परिवार में से, लेकिन वो मरीज का ही परिवार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्वैपिंग संभव है। वही चमोली के पीपल कोटी विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण के तहत बुधवार को जिला प्रशासन ने हाट गाँव में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के आवासीय मकानों को जबरन तोड़ने का काम शुरू कर दिया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्षेत्र के 4 जनप्रतिनिधि ज्येष्ठ प्रमुख पंकज हटवाल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष और हाट गांव निवासी राजेंद्र हटवाल, कृष्णचंद्र और नवयुवक मंडल दल अध्यक्ष अमित गोरोला को पुलिस गिरफ्तार कर थाना गोपेश्वर ले आई। THDC की ओर से जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की जद में आ रहे हाट गांव के 16 परिवारों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अपने पैतृक गांव से कहीं न जाने का निर्णय लिया था। बुधवार को प्रशासन की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंचा और भवनों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ज्येष्ठ प्रमुख पंकज हटवाल ने कहा कि बिना ग्रामीणों को मुआवजा दिए मकान तोड़े जा रहे हैं, ग्रामीणों को जबरन घरों से बाहर निकाला जा रहा है।
वहीं आज जहां उत्तराखंड के तमाम रीति रिवाज, तीज त्यौहार, पारंपरिक मिलनसार सांस्कृतिक धरोहर दिनों दिन पाश्चात्य सभ्यता की देखा देखी करते हुए छेड़ होती जा रही है और फूहड़ता को शब्दों में पिरोकर समाज के बीच परोसा जा रहा है, जिस कारण आने वाली पीढ़ियों को अपने पूर्वजों की मजबूत सांस्कृतिक धरोहरों की जानकारी ना के बराबर ही मिल पा रही है। तो वहीं अब कुछ लोगों ने आगे आकर अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास और सांस्कृतिक समिति थराली ने स्थानीय स्तर पर देव और मांगलिक कार्यों के दौरान गाए जाने वाले मांगलिक गीतों के संरक्षण के लिए एक अभिनव प्रयास करते हुए गांव-गांव जाकर महिलाओं को अपनी संस्कृति को बचाने की मुहिम के तहत अब मांगलिक गीतों की प्रतियोगिताओं को कराने का बीड़ा उठाया है। दरअसल यहाँ की संस्कृति की मजबूत पहचान है देव और मांगलिक कार्यों के समय गाए जाने वाले मांगलिक और लोकगीतों से, जो अब धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के पांव पसारने के चलते समाप्ति की कगार पर है। इनके संरक्षण के लिए अब यहां काम शुरू हो चुका है। आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया और मंच में आने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बधाई संस्था भाई प्रेम देवराड़ी जी का और प्रदीप बुलोला जी का, इनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने एक ऐसा कदम उठा रखा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, जो कि हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। हम लोग आजकल फोन पे, व्हाट्सएप पे, टीवी पे, फेसबुक पे जो है लाइव चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृतियाँ हैं उस संस्कृति को हम ये आधुनिक युग में भूलते जा रहे हैं। तो इस संस्कृति को इन्होंने बचाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा प्रयास किया है, इसके लिए लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो हमारी पौराणिक प्रथा है उस प्रथा को बचाए रखें, क्योंकि आजकल ये अंग्रेजी जमाना, इंग्लिश गाने, ये अंग्रेजी पूरा जो भी आ रहा है, तो हमारी रीति रिवाज जो है उसमें विलुप्त हो रही है। उसको बचाए रखने के लिए उन्होंने हमें जागृत किया और हमें इस मंच तक लाए, और आज मैं जो भी ये है कि आज हम यहाँ पे सब प्रथम स्थान पाए हैं, हमने आशा करती हूँ कि इस प्रथम स्थान को हम आगे तक ले जाएं और अपने गांव का, अपने श्री पुरोहित जी का नाम आगे ले जाएं, जिन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। ये मांगल गीत प्रतियोगिता है, इसमें खास तौर से जो संस्कार हैं हमारे, चाहे वो विवाह के संस्कार हों, वो चूड़ा कर्म के हों, या यज्ञोपवीत के हों, या अन्न प्राशन के हों, इन अवसरों पर हमारे जो पिछले वक्त रहा है, बीता हुआ समय रहा है, उसमें लोग गाते थे। मैंने सुना है मेरी दादी बहुत सारे मांगल गाती थी, लेकिन आज जो है समय की विडंबना है कि लोग उन संस्कारों के टाइम पर कोई भी मांगलिक गीत नहीं गाए जा रहे हैं, और यदि कोई गा भी रहे हैं तो वो छूटे पीटे टूटे फूटे से गीत आ रहे हैं और उसी को हम पूर्ण मान रहे हैं, और एक बिगड़ा हुआ स्वरूप जो है हमारे आने वाली पीढ़ी के सामने इसका जा रहा है। तो हमारे मन की पीड़ा थी कि हम बहुत सारे मंचों पर जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें जाने का अवसर मिला, वहाँ पर बहुत सारे अन्य राज्यों से या अन्य जिलों से जो है बहुत सारी महिला मंगल दल मांगल गीतों को लेकर जाती हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र से इस प्रकार की कभी भी हमने देखने को नहीं मिली। तो हमने एक प्रयास किया, लोगों से बात करी, महिला मंगल दलों से लोगों का इंटरेस्ट हमें लगा, और हमारा प्रयास है कि इसमें जो सयानी महिलाएँ हैं, यानी जो वृद्ध महिलाएँ हैं, उनके पास जो भी है उसको हम नई पीढ़ी तक पहुँचाने का एक प्रयास करें। वहीं लक्सर के विकासखंड खानपुर ब्लॉक के लालचंद वाला गांव के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से गरीब पात्र लोगों को दूर रखने और अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है। लालचंद वाला गांव निवासी एक महिला ने लक्सर उप जिलाधिकारी से एक प्रार्थना पत्र देकर जाँच कराने की मांग की है। महिला ने पत्र में लिखा है कि वो एक विधवा गरीब महिला है और उसके चार बच्चे नाबालिग हैं और वो झोपड़ी में रहती है। उसने लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में उसका नाम पहले से चल रहा था, जिसे ग्राम सचिव की तरफ से आखिरी लिस्ट में ये बताकर निकाला गया कि उसके पास पक्का मकान पहले से ही है। महिला ने उप जिलाधिकारी से जांच की मांग की है। महिला ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह जो संबंधित जो खंड विकास अधिकारी उनसे वार्ता हुई है, तो उनका कहना है कि उसमें जो सर्वे है वो पहले हो चुका है और उसके बाद उसमें जो आवासों का जो आवंटन होता है वो उच्चतर से ही होता है, तो इसमें जांच के बाद ही इसमें कुछ भी कह पाना संभव हो पाएगा। हमारा पहले नंबर पे मकान था, एक हमारी भाभी है विधवा अफसाना नईम के नाम से, उसमें जी इन लोगों ने जो फाइनल लिस्ट जारी करी है उसमें कोई नामो निशान नहीं है हमारा। कुछ ऐसे चंद मकान पास करे हैं इन्होंने बहुत लोगों के, जिनके पहले से मकान पक्के हैं वो पास हो गए, और जो लोग छोपड़ भट्टी वाले थे, पन्नी वाले थे, त्रिपाल वाले थे, उन लोगों के मकान नहीं आए। ये BDO साहब और अमित साहब, सेक्रेटरी साहब, ये इन लोगों की चाल है जो हमारा मकान नहीं बनना चाहते। हमने सभी जगह शिकायत कर रखी है जी,
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पंडित है और लिस्मो नाम तुम्हारा वो भी कटवा दिया जिसने कटवा होगा और जी 10,000 रुपये ले रखे हैं इतना सिकट रही ना राशि का सिकट रही हूँ और कुछ हाँ ना का पता नहीं दे रहा बार बार बस उन्हें कहे देख लूँगा और भी तो मैं वैसे मेरे 20 साल हो गए मेरे आदमी को भी मरो अपनी मजदूरी कर दी और खा रही एक लड़का मेरे वही नहीं आ रहा मेरे साथ। नैनीताल और उसके आसपास फिर एक बार मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं। तेज बिजली की चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देर रात भी बारिश का दौर जारी था। यहां बता दें कि सुबह के वक्त मौसम साफ नजर आ रहा था। लगभग 11 बजे से यहां तेज बिजली की गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है जो अभी तक जारी है। नालियों का गंदा पानी झील में जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि झील में नालियों का गंदा पानी जाता हुआ दिख रहा है। नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां का ये नज़ारा, जहां पर झीलों में अब नालियों का गंदा पानी जाता हुआ दिख रहा है। बिजली की तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई थी जिसके बाद वहां की अब ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि गंदा पानी जो है बहकर सीधे झीलों के अंदर जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां पर झील में अब नालियों का गंदा पानी जाता हुआ देखा जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की तमाम जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरें नैनीताल से आ रही हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अब ऐसे में जो गंदा पानी है, जो नालियों से निकलने वाला गंदा पानी है, वो भी अब झीलों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार की ओर से कोटद्वार को नगर निगम की उपाधि तो दी गई लेकिन समुचित सुविधाएं नहीं दी गई। 2 साल बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम पूरी तरह अस्तित्व में नहीं आ पाया है जिस कारण नगर निगम का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम की तरफ से घर घर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां भेजी जा रही हैं और कई जगह कूड़े के कंटेनर लगाए गए हैं लेकिन नगर निगम ने वार्ड 31 में कई जगह से कूड़े के कंटेनरों को हटा दिया है जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आज पार्षद सौरभ नौटियाल के नेतृत्व में एकत्र होकर कूड़े को नगर निगम कार्यालय के बाहर फेंक दिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पौड़ी की तस्वीरें हैं जहां पर स्थानीय लोगों को नगर निगम का लाभ नहीं मिल रहा है जिसको लेकर आज सब इकट्ठा हुए स्थानीय लोग और उन्होंने प्रदर्शन किया है। एक तो कोटद्वार में समुचित सुविधाओं का अभाव देखने का मिल रहा है जिसके चलते आज लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। तो हमारा पानी का कूड़े का ना कोई समाधान नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है। कोई भी आता है कोई बोल के चला जाता है, सब कुछ करते हैं हमारा कोई नहीं सुनता इस चीज के लिए। और क्या बोलते हैं, बार बार लोग आ रहे हैं बोल यहाँ कूड़ा मत डालो, रोज की रोज हमें बोलते हैं, हमारे साथ लड़ाई करते हैं रोज की रोज यहाँ आके। बहुत परेशान कर रखा है उन्होंने, कई बार तो बाल्टी भी वापस कर देते हैं कि लेके जाओ डस्टबिन यहाँ से। अब वहाँ कूड़े की ना कोई सुविधा है, ना पानी के लिए कोई सुविधा है, कुछ नहीं है वहाँ। बहुत परेशान कर रखा है सबको। जो हमने कूड़ा फेंका है विगत 1 महीने से मेरे वार्ड के 3-3 कंटेनर माननीय महापौर द्वारा हटवा दिए गए हैं खाली कुछ कांग्रेसियों के कहने पे। मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ पे कंटेनर लगता है वहाँ पे 1-2 लोगों को परेशानी होती है लेकिन उस परेशानी के कारण 100 लोग संतुष्ट रहते हैं। वहाँ पे कबाड़ फेंकते हैं, हमारी माताएं बहनें जाती हैं, भाई ये कंटेनर हटाए गए। मैं उस वार्ड का पार्षद हूँ, मुझे क्यों नहीं पूछा गया। मैं सफाई इंचार्ज को कहता हूँ, वो कहता है कि मेयर के साइन करवाओ। भाई मेयर के बाप की बपोती है क्या कोटद्वार या ये नगर निगम? भाई नगर निगम चलेगा तो सबकी अनुमति के साथ, सबकी सहमति के साथ चलेगा। पौड़ी के अलकनंदा नदी पर बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार शव मिल रहा है। वहीं मंगलवार को भी एक शव मिला है जिसकी सूचना अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन झील का जलस्तर बढ़ने से शव को बाहर नहीं निकाल पाई जिसके बाद SDRF की टीम बुलानी पड़ी। SDRF की टीम ने शव को झील से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। कीर्तिनगर कोतवाल रविंद्र यादव की माने तो मृतक की उम्र 35 साल की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चमोली के जोशी मठ में आतंक का पर्याय बने भालुओं में से एक को बीती रात को 12:30 बजे मार गिराया गया।
वन विभाग की टीम ने इस भालू को सिंहधार एरिया में पीछा करते हुए ढेर किया है। मारा गया भालू रोज की तरह देर रात को सिंहधार की घनी आबादी में पहुंच गया था, जिसकी सूचना नंदी देवी पंवार के तरफ से वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने ट्रिकलाइज टीम के साथ मौके पर वो पहुंची, लेकिन भालू वन विभाग टीम की दस्तक को भांपते हुए नीचे की ओर भाग गया। भालू भागते हुए सिंहधार में ही सिंह भंडारी के घर के पास ही खेतों में छुप गया। टीम ने वहां पहुंचकर भालू को घेर कर ट्रैंकलाइज करने के लिए गोली चलाई। गोली चलाते ही भालू वन कर्मियों पर हमला करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद टीम ने काफी मशक्कत के बाद भालू को ढेर कर दिया। भालू का शहर के अंदर आतंक बढ़ा था, तो हम लोगों ने 9 सितंबर को चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के द्वारा अनुमति लेकर के एक भालू को ट्रैंकलाइज करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत देहरादून से 2 डॉक्टर बुलाए गए थे और एक पशुपालन विभाग के जोशीमठ के डॉक्टर को लगा करके कंटिन्यू गश्त की जा रही थी, उसका ट्रैंकलाइज करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच 16 तारीख को एक महिला को घायल करने के कारण फिर हमारे द्वारा एक भालू को मारने की अनुमति मांगी गई थी। उस क्रम में 17 सितंबर को एक भालू को मारने की अनुमति भी चीफ हेड वार्डन द्वारा प्राप्त हो गई थी। उत्तराखंड सरकार के निर्देश के चलते नैनीताल में जिलाधिकारी धीराज गर्बयाल ने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। बता दें, इस दौरान सड़क, पानी, शिक्षा, इलाज, मुआवजा, रोजगार जैसी 38 मुख्य समस्याएं निकलकर सामने आईं, जिनमें से जिलाधिकारी द्वारा अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बकाया समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया और इस जनता दरबार में 38 मुख्य समस्याएं निकालकर सामने रखी गई और इनका निस्तारण करने की कोशिश की गई। तो जनता दरबार का आयोजन जिलाधिकारी की ओर से किया गया। नैनीताल की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा, जिनमें से 38 मुख्य समस्याएं निकलकर सामने आई। जितने भी हमारे पहले लोग केवल इसी उसके लिए आते हैं, किसी को राशन कार्ड, किसी को राशन कार्ड के हिसाब से उनको जो कहते हैं कि अगर अनाज नहीं मिल रहा है या फिर सर्टिफिकेट्स की बात करें या फिर एक जनरल जो समस्या पी डब्ल्यू डी की सड़कों में कहते हैं कि ये कब तक भरेंगे। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सड़कें हमारे जनपद में उसमें गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये नवंबर माह तक में जितने भी हमारे सड़क हैं पूरे जनपद में लगभग 2,000 किलोमीटर के करीब सड़कें हैं, उन सबको गड्ढा मुक्त करने का अभियान हमारा नवंबर माह तक खत्म हो जाएगा। वहीं उत्तरकाशी में जिला गंगा कमेटी की देखरेख में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत गंगोत्री धाम में मंदिर परिसर, स्नान घाटों व यात्रा पड़ाव के मुख्य मार्गों पर सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में आम जनमानस को मां गंगा की अविरलता व निर्मलता बनाए रखने को लेकर संदेश देकर जागरूक करने का भी काम किया गया। इस मौके पर स्वजल, वन विभाग व गंगोत्री नगर पंचायत के अधिकारियों सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। तो तस्वीरें उत्तरकाशी से हैं जहां पर सफाई अभियान चलाया गया। तो गंगोत्री धाम में ये सफाई अभियान चलाया गया, इसके साथ ही वहां लोगों को भी जागरूक करने का काम किया गया। तो जिला गंगा कमेटी की ओर से ये पूरा अभियान चलाया गया था, जिसके तहत गंगोत्री धाम में साफ सफाई की गई। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से वहां मौजूद गंगा कमेटी के लोगों ने गंगोत्री धाम पर सफाई अभियान चलाया। जिन जिला गंगा कमेटी के लोग थे जिन्होंने सफाई अभियान चलाते हुए वहां पर साफ सफाई की है। उत्तराखंड में भले ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है, लेकिन सरकार के नियमों की बाध्यता की वजह से श्रद्धालुओं को चार धाम के दर्शन नहीं हो पा रहे। श्रद्धालु ऋषिकेश से ही बैरंग लौटने को मजबूर हैं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं हो पाने की समस्या शामिल है।
ऐसे में परिवहन कारोबारियों को जिस तरह श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी, वह उम्मीद अब टूटने लगी है। ऐसे में परिवहन कारोबारियों ने बाध्यताएं खत्म करने की मांग को लेकर एआरटीओ कार्यालय पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही परिवहन कारोबारियों द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यूनियन के प्रतिनिधि आज मुझसे आए मिलने, तो इनका मेन समस्या जो है वो है कि देवस्थानम की साइट में जो बुकिंग हो रही है वो फुल हो गई है, और जिससे इनको इनके पास यात्री आ रहे हैं, जिसके कारण वो दर्शन करने हेतु नहीं जा पा रहे हैं। जबकि इनका यह भी कहना है कि जो मौके की स्थिति है वो ये है कि वहाँ पे 150 से 200 ही जा पा रहे हैं, जबकि बुकिंग का केदारनाथ जी में 800 है और जबकि बद्रीनाथ जी में 1000 है, जबकि उतने लोग रोज़ दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समस्या को सुधारा जाए, तो चूंकि ये पर्यटन विभाग से संबंधित समस्या है तो हमें इन लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आप अपने माध्यम से उनको फॉरवर्ड कर दें, तो हम अपने माध्यम से उनको फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी कुछ ग्रीन कार्ड की इनकी समस्याएं थी, इनको ये था कि ग्रीन कार्ड गत वर्ष की भांति छूट दी जाए, जैसे पिछले बार ग्रीन कार्ड की बाध्यता से छूट दी गई थी, तो इस बार भी ये चाह रहे हैं छूट दी जाए। तो ये भी हम अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अपने माध्यम से भेज देंगे। और कुछ इन लोगों ने ग्रीन कार्ड में जो आगत समस्याएं वो बताई, वो मेरे लेवल की है, वो निदान इनका हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, मैंने उनको बता भी दिया तो वो उससे संतुष्ट भी। आज हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था। हमारी प्रमुख मांग है कि जो उत्तराखंड के परिवहन व्यवसायी है उनको ग्रीन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाए, और जो ई पास है या वे पोर्टल है उनकी भी बाध्यता समाप्त की जाए। जो चेक पोस्टों पर हमारी छोटी गाड़ियों को नजायज पुलिस प्रशासन परेशान करता है उस पर रोक लगे, और तीर्थ यात्रियों को धामों तक जाने की सुविधा प्रदान करने में राज्य सरकार अपना सहयोग प्रदान करे। साथ ही कोरोना काल में आर्थिक मंदी को देखते हुए जो चालक परिचालकों के लिए राज्य सरकार ने 2000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देने की घोषणा करी थी, अभी तक हमारे किसी भी चालक परिचालक को उक्त सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार से निवेदन है कि तुरंत 2000 रुपया राशि प्रत्येक महीने वो चालक परिचालकों के खाते में प्रदान करने की कृपा करें। इन मांगों को लेकर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया आज। वहीं ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में माला गुलदार के पिंजरे में कैद होने के बाद वन विभाग की टीम ने 3 में से 1 शावक को भी पिंजरे में कैद कर लिया है, जबकि 2 शावक अभी भी वन विभाग की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश में वन विभाग के कर्मचारी जुटे हुए हैं। बता दें कि गुलदार की धमक से ग्रामीण लंबे समय से दहशत में जीने को मजबूर थे। बता दें कई बार गुलदार को सड़कों पर देखा गया है, जिसकी फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं मामले में वन विभाग द्वारा बामुश्किल से मादा गुलदार को तो कुछ दिन पहले पिंजरे में कैद कर लिया गया था, और अब वन विभाग ने 1 शावक को भी पिंजरे में कैद कर लिया है, जबकि 2 शावक अभी भी आजाद घूम रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग कड़ी मशक्कत कर रहा है। खदरी गांव में गुलजा थम के आसपास काफ़ी महीने से एक शावक और उसके 3 बच्चों की चहलकदमी थी, जिस पर रेंज कार्यालय द्वारा लगातार वहाँ पर गश्त की जा रही थी, और पिंजरा लगाने के परमिशन के पश्चात वहाँ पर पिंजरा लगाया गया था। कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक मादा गुलदार को हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया था, और आज इसके जो 3 शावक में से 1 शावक को भी हमारे द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। यहाँ गश्त के दौरान वहाँ पर 3 शावक दिखाई गए थे, जिसमें आज 1 को रेस्क्यू किया गया, शायद अभी 2 होने की संभावना है। इसका मेडिकल एग्जामिनेशन के पश्चात इसको छोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज